हेलो गाइस, वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना खिचड़ी, वो भी महाराष्ट्रियन स्टाइल। वैसे साबूदाना खिचड़ी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये एक तरीका है जो कि सिंपल है और बहुत ही टेस्टी साबूदाना खिचड़ी बनती है। साबूदाना जो कि मोस्टली उपवास में खाया जाता है, पर आप कभी भी बना सकते हैं एक्चुअली ऐसे स्नैक, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है साबूदाना, जो कि आपको इंडियन ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। सागो भी कहते हैं इसे। इसे मैंने ओवरनाइट भिगोया है पानी में। तो भिगोने के लिए पहले मैंने इसे ज़्यादा थोड़ा पानी में भिगोया है, और 15-20 मिनट जब पानी वो अच्छे से सोख लेता है, फिर हमने सारा पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया और उसे ढक के रख दिया ओवरनाइट। जितना भी पानी उसने सोखा, उस पानी में उसे भीगने दिया। तो अब ये फूल के अच्छे से तैयार हो गया है। देखिए, एक एक दाना अलग दिख रहा है। इसके अलावा हमें चाहिए रोस्टेड पीनट पाउडर। इसका हमने मूंगफली को पहले रोस्ट किया है अच्छे से धीमी आंच पे, उसके छिलके निकाल दिए हैं अच्छे से और उसका पाउडर बनाया है, तो ये हमें चाहिए। इसके अलावा हमें रिफाइंड ऑयल चाहिए, नमक, धनिया और हरी मिर्च। दैट्स इट। बहुत ही कम और घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स से ये खिचड़ी बन सकती है। बस अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि साबूदाना हमारा रेडी है। तो खिचड़ी के लिए सबसे पहले हम एक पैन में तेल डालेंगे। पैन ऐसा लेंगे जिसका बेस थोड़ा थिक हो, अदरवाइज खिचड़ी अक्सर चिपक जाती है। जब ये तेल गरम होने लगे, तब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च फ्राई होने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई है, ज्यादा जली भी नहीं है, एकदम धीमी आंच पे मैंने इसे फ्राई किया है। अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे और साबूदाने को अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि साबूदाने को पकने में टाइम लगता है। ट्रांसपेरेंट, एकदम फूल जाना चाहिए साबूदाना, तब तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं सारे इसके एक एक दाना एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, अच्छे से पक के फूल गया है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और ऊपर से ये मूंगफली का पाउडर जो हमने बनाया था वो डाल देंगे। मूंगफली का पाउडर डालने से एक ये फायदा होता है कि इसका एक एक दाना अच्छे से मूंगफली के पाउडर से कोट हो जाता है और एकदम खिली खिली बनती है, अलग अलग बहुत ही अच्छे से इसके आसपास कोट हो जाता है। सो महाराष्ट्रियन स्टाइल साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। देखिए, ये एकदम परफेक्ट है, अच्छे से साबूदाना कुक हो गया है और साबूदाना बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, एकदम खिली खिली साबूदाना खिचड़ी बनी है। इसे आप कर्ड के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।